ETF और ELSS दोनों ही एक अच्छे निवेश विकल्प हैं। दोनों की अपनी खूबियां हैं तो कुछ कमियां भी हैं। निवेश के लिहाज से भी PPF को एक बेहतर विकल्प माना जाता है। PPF आपको टैक्स छूट का फायदा दिलाने के साथ ही कई अन्य फायदे भी देता है। शेयर बाजार में निवेश करने का सबसे आसान और सुरक्षित विकल्प म्यूचुअल फंड माना जाता है। टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स को इक्विटी लिंक्ड ELSS भी कहा जाता है। ये एक तरह से डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स होते हैं। इनमें लगाया गया पैसा शेयर्स में निवेश किया जाता है। इस पर मिलने वाला रिटर्न बाजार के उतार चढ़ाव पर निर्भर रहता है। PPF आप किसी बैंक या पोस्ट ऑफिस में PPF खाता खुलवा सकते हैं। आप PPF खाता अपने या फिर किसी नाबालिग के नाम पर खुलवा सकते हैं, लेकिन नियमों के मुताबिक एक हिंदू अविभाजित परिवार के नाम पर एक PPF खाता खोला नहीं जा सकता है। न्यूनतम ₹100 का निवेश कर अपना PPF खाता खुलवा सकते हैं। हालांकि इस खाते में एक वित्त वर्ष के दौरान आपको ₹500 जमा कराने होते हैं। वहीं इस खाते में अधिकतम निवेश की सीमा ₹150,000 प्रति वर्ष तय की गई है। एक PPF खाते का मैच्योरिटी पीरियड 15 वर्ष का होता है। हालांकि इसके मैच्योर होने के एक वर्ष पहले इसे बढ़वाया जा सकता है। आप अगर चाहें तो आप अपने PPF खाते को एक बैंक से दूसरे बैंक या एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफर भी करा सकते हैं। आप अपना PPF अकाउंट खोलने के बाद 7वें वर्ष में उससे कुछ रकम की निकासी कर सकते हैं। एक PPF अकाउंट होल्डर खाता खोले जाने वाले वित्त वर्ष के बाद के तीसरे वित्त वर्ष के दौरान लोन सुविधा का फायदा उठा सकता है। बैंक के सेविंग अकाउंट की तुलना में PPF खाते पर मिलने वाला ब्याज बेहतर होता है। आप अपने PPF खातों को मैच्योरिटी से पहले भी बंद करवा सकते हैं। लेसेस PPF की मैच्योरिटी अवधि 15 साल और यूलिप की 5 साल होती है, लेकिन ELSS में यह महज 3 वर्ष होती है। यह इनकम टैक्स की दर 80C से जुड़े निवेश विकल्पों में सबसे कम है। जोखिम लेने वालों के लिए ELSS अच्छा विकल्प माना जाता है। इसमें लिक्विडिटी और पारदर्शिता होती है। निवेशक को इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत सालाना ₹1,50,000 तक की कर कटौती का फायदा मिलता है। अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से निवेश करते हैं तो आपके लिए यहाँ SIP का भी विकल्प है। इसमें आप महज ₹500 महीने की राशि से भी निवेश शुरू कर सकते हैं। साथ ही इस पर मिलने वाला रिटर्न कर छूट के दायरे में आता है। एसेट एलोकेशन के मुताबिक ELSS म्यूचुअल फंड का वर्गीकरण इक्विटी फंड के अंतर्गत किया गया है। एक वर्ष के बाद इन पर मिलने वाला रिटर्न टैक्स फ्री होता है, इसलिए रिटर्न डिविडेंड और इन पर मिलने वाला कैपिटल गेन भी टैक्स फ्री होता है। ये फंड्स लंबी अवधि के निवेश के लिए बेहतर होते हैं। इस पर मिलने वाला रिटर्न महंगाई को मात देने की क्षमता रखता है, जिसकी मदद से आप घर की खरीदारी, शादी की योजना या बच्चे की पढ़ाई के खर्चों की प्लानिंग कर सकते हैं। ELSS में फंड मैनेजमेंट फीस या एक्सपेंस रेशियो के रूप में शुल्क लगाया जाता है। यह अधिकतम 2.5% हो सकता है। इसमें निवेश करने की कोई अधिकतम सीमा नहीं है। आप जितना चाहे इसमें निवेश कर सकते हैं। इसमें इंडिविजुअल्स और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी निवेश कर सकते हैं। इसमें मैच्योरिटी से पहले निकासी संभव नहीं है। इसमें निवेश के समय और जिस वर्ष निकासी की जाती है उस दौरान टैक्स का भुगतान करना पड़ता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और हाँ सब्सक्राइब करना न भूलें।